अरे यार सही किया इसके साथ, मजा आ गया। भाभी। हाँ दीदी। सही कर रहे हो आप भाभी, हमारा यही रह गया है, बच्चा किसी और के घर में हो रहा है, काम हम करें। मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने। करो करो, एंजॉय भी करो, काम भी करो, ठीक है? हाँ हाँ जाओ जाओ। करो। क्या दिन थे एक टाइम पे मेरे, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था, पानी तक मेरे मुंह पे आ जाता था, और आज देखो। दीदी। हाँ। इतनी सारी चाय? चंदो भर भर के पीती है, देखो कप भर के बनाया, और सैंडो ने भी स्टार्ट कर दिया है कप भर के पीना। लगता है प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो गया है, जो वो करती है वही वो भी करता है। क्या प्यार है उन दोनों का, इतना प्यार तो किसी में नहीं होता। अरे चुप रहो। प्यार प्यार, इतनी भर भर के चाय बन रही है घर में, आपका सारा सामान वेस्ट हो रहा है, आपको प्यार की पड़ी है? बड़ा आया जबरदस्ती का प्यार। लेकिन ये तो बात है, दोनों एक दूसरे से प्यार तो नक्की करते हैं। वो इतना प्यार करता है उससे कि हमेशा उसके पास बैठा रहता है। और अब तो बच्चा भी होने वाला है, अब कहाँ जाएगा बेचारा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, छोड़ो चाय, मैं आपको दिखाती हूँ असली प्यार किसे कहते हैं। आप वाला प्यार नहीं, जो फॉरन में बैठा है और आप यहाँ बैठी हो, और मेरा वाला भी नहीं, लैपटॉप में घुसा रहता है जो। मैं आपको आज रियल प्यार दिखाती हूँ। ऐसा प्यार तो ना ही हो। चलो चलो आज इनको, इन दोनों का प्यार दिखाती हूँ। थोड़ी जलेंगी मगर मजा मुझे ही आएगा। चाय बंद कर देती हूँ। अरे भाभी आ भी जाओ। आ रही हूँ। आओ दिखाती हूँ, देखो कितना प्यार है, उसको कैसे पकड़ रखा है उसने। चंदो तुझे और कुछ खाना है? 3 कप चाय बन ही रही है तेरे लिए। एक पल भी अपने से दूर नहीं जाने देता। हाँ इस प्यार के चक्कर में मेरे नेल्स खराब हो गए काम कर करके। अरे ये तो पुण्य का काम है, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को आप खाना सर्व करो तो। सच में और कुछ खाना है तो बता दे, अभी भी दोनों को लगा रखा है काम पे। अच्छा वो कैसे, वो कैसे? चुप, वो नहीं बताना किसी को। ये तो हमसे जान के काम करवा रहा है, वो भी इतना सारा। मुझे पता तो था कि आपका भाई चंट है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो आपसे भी ज्यादा चंट है। आज पता चला मुझे दोनों भाई बहन कितने चंट हो आप। अरे मैं कैसे, मुझे तो पता भी नहीं था। देखो अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ये दोनों मिल चुके हैं, हम दोनों को ही मिलना होगा। पहले ये बताओ कहीं आप मिली तो नहीं अपने भाई से? अगर मैं मिली होती तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों कर रही होती, इतना दिमाग नहीं है? ये बात भी सही है। हाँ चलो इनकी पोल पट्टी तो खोलनी पड़ेगी। और मुझे अभी भी एक आइडिया आया है। बहुत अच्छा है, वो आ जाएगा ना फिर देखते हैं कितना हमसे काम करवाते हैं दोनों। इनकी धजिया उड़ा देंगे। धजिया? आया बड़ा सूखा पापड़। चुकी नंद हूं मैं, नंद। और हाँ मैं भी कुछ कम नहीं, क्योंकि सारी बात नीतू, नाम है नीतू। चंदो तेरे ऊपर ना दो दो चीज की जिम्मेदारी है। किस चीज? अरे नहीं ऐसा मत कर, मत कर। क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगा तुझे, तू बस अपना ध्यान रख, ठीक है? बैठ जा आराम से। ठीक है। लगता है सो रही है चुड़ैल कहीं की, यहाँ पर हमारी नींद खराब की हुई है, और देखो खुद कितनी आराम से सो रही है। चंदो चंदो चंदो, चाय। इतनी सारी चाय, इतनी सारी चाय, मैं सब पीऊंगा। अरे नहीं नहीं, जब प्रेग्नेंट होते हैं ना तो एक ही चाय पी जाती है, ये ले। सब पीऊंगा, आई बड़ी। पीले पीले आराम से पीले। बाकी की चाय कौन पिएगा, मेरा पति कब पिएगा? अरे सैंडो सैंडो, अभी बुलाती हूँ तेरे पति को। बिस्किट भी खाऊंगा, लाओ ना लाओ ना। लाती हूँ चंदो, लाती हूँ बेटा। जहर भी खा ले। A few moments later. क्या नसीब है मेरा, बिस्किट भी नहीं खा। बिस्किट दे, उसके लिए बिस्किट है ना, खाई जा रही है, खाई जा रही है। खेले चंदो, तू खा ले बिस्किट। आप अपने हाथ से खिलाओ खिलाओ ना। ये लो ये लो। अरे ओ मैं बगल में बैठी हूँ, अंधे हो गए हो क्या, मेरे सामने ये सब कर रहे हो? पकड़ अपना झूठा बिस्किट और अपने हाथ से खा। चल पकड़ अपना झूठा बिस्किट और अपने हाथ से खा। हाथ से खिलाओ, और तेरे में शर्म नहीं बची ना? वैसे भी शादी को 10 दिन नहीं हुए, उसको माँ बना दिया। चंदो नहीं होगी, पंदो हो गई। अरे जाने दे उसको, तू भर भर के खा चंदो, तू मेरी जान है जान।